गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की कुछ सॉरी जिसमें फिनाल की कुछ रासायनिक गुण बताए गए थे, तो इसमें क्या करना है, फिनाल का नेक्स्ट रासायनिक गुण पढ़ना है। तो इसमें फिनाल का रासायनिक गुण में है बेंजीन की रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अंतर्गत पढ़ना है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि हैलोजन से क्या किया जाएगा, फिनाल का अभिक्रिया कराया जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, फिनाल को CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर आर्थोफिनाल आर्थोब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है और पैरा ब्रोमो फिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे कि फिनाल को निम्न ताप पर CH2 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर आर्थो और पैरा ब्रोमो फिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, फिनाल का रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इस प्रक्रिया ब्रोमीन से कराएंगे CH2 के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दो ब्रोमीन जब इसकी क्रिया करता है, ब्रोमीन का एक अणु जब क्रिया करता है, तो यहाँ पर आर्थो और पैरा ब्रोमो फिनाल बनता है। यहाँ पर पहले पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो आर्थो ब्रोमो फिनाल हो जाएगा और फिर पैरा वाला बनता है। इस तरीके से आर्थो और पैरा ब्रोमो फिनाल बनते हैं। इसका नाम होगा पहले जुड़ा है, इसका नाम होगा आर्थो ब्रोमो फिनाल, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो फिनाल। इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त। यहाँ पर दो ब्रोमीन है। इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए उधर दो बेंजीन है, इधर एक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, गुणा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे गुणा करें या ना करें तभी ये बराबर इसमें माना जाएगा। तो इस तरीके से आर्थो और पैरा कंडीशन इसमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर फिनाल का क्या किया जाए, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराया जाए, ये तो केवल ब्रोमीन के साथ क्रिया कराया जा रहा था, अगर ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराया जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। तो नए देखेंगे कि फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल प्राप्त होता है। तो ये क्या हुआ, फिनाल का स्ट्रक्चर हुआ। इसका क्या करना है, ब्रोमीन जल से क्रिया कराना है। यहाँ पर लिखेंगे Br2 जलीय लिखेंगे, इससे जब क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर यहाँ पर क्या होगा, ये फिनाल हो गया और दूसरे पर ठीक पढ़ा तो यहां पर क्या होगा, फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराया जा रहा है, तो 2 3 हो गए, 4 हो गए, ये 6 हो गया, 2,4,6 ट्राई, 3 बार ट्राई ब्रोमो, एक पूरा क्या हो गया फिनाल, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6
ट्राइब्रोमो फिनॉल यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसके साथ क्या और प्राप्त होगा, यहाँ पर जितने जगह पर यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा उतने जगह से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, तो क्या बनाएगा, एच बी आर बनाएगा। प्लस में क्या बनेगा, एच बी आर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा। और तीन हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीन बी आर जुड़ेगा। तो थ्री ब्रोमीन यहाँ पर है, थ्री ब्रोमीन यहाँ पर है, यहाँ पर कितना ब्रोमीन है, टू है। यहाँ इसमें क्या करेंगे, थ्री से क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो सिक्स यहाँ भी हो जाएगा, सिक्स वहाँ भी हो जाएगा। इस तरीके से टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो फिनॉल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या होता है मिश्रण। अगला सल्फोनीकरण अगर कराया जाए, सल्फोनीकरण क्या होता है, इसमें सल्फो भाग होता है। सल्फोनीकरण में क्या होता है, सल्फो भाग होता है, अर्थात सल्फ्यूरिका में क्रिया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिनाल को सल्फ्यूरिका में के साथ क्रिया कराएंगे, और क्रिया कराने पर इसमें भी आर्थो और पैरा दोनों का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, फिनाल का क्रिया किससे कराया जाएगा, सल्फ्यूरिका में। हो गया फिनॉल, और फिनॉल को क्या किया जाए, कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 से अगर क्रिया कराया जाए, तो सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोरिक अम्ल बनता है, आर्थो कंडीशन बनेगा और पैरा कंडीशन बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिनॉल में एक बार आर्थो कंडीशन पे क्या कर देंगे, सल्फोर जोड़ देंगे, सल्फो में क्या होता है, SO3H होता है। और एक बार क्या करेंगे, पैरा कंडीशन में होती है, जहां पर एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है उसका पहला जो कार्बन होगा ये आर्थो होगा, दूसरा वाला मीटा होगा, तीसरा वाला क्या होगा, पैरा होगा। आर्थो मतलब आगे, पैरा मेटानिस मध्य में, पैरानिस बीच जाने से। तो यहाँ पर आर्थो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पैरा इसका नाम क्या होगा, आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी। इसमें क्या जुड़ा है, सल्फो जुड़ा है, तो सल्फो को क्या लिख सकते हैं, SO3 जुड़ा है, उसे क्या लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल लिखेंगे। और उसमें क्या है, बेंजीन है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पर पैरा भी जाएगा, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से आर्थो और पैरा कंडीशन में यहाँ पर ये मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है अगर फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया देखा जाए, तो फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रीडेल क्राफ्ट पर टिप्पणी भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होता है। और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो क्रिया कराया जाता है, जिसमें मेथिल क्लोराइड के साथ फिनॉल की क्रिया कराया जाता है, और इसमें पैरा क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, जहाँ भी फ्रीडेल क्राफ्ट प्रक्रिया होगा वहाँ पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लगेगा, और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लगेगा तो क्या करेगा, उसमें
इसको निर्जल करेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिनाल का क्रिया किससे कराते हैं, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं। और किसके प्रेजेंस में होता है निर्जल, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। इसके प्रेजेंस में क्या करता है, क्रिया करता है, ये हो गया आपका फिनाल, ये CH3Cl मेथिल क्लोराइड, इससे क्रिया करता है। तो क्रिया करके क्या बनाता है, पैरा क्रिसाल बनाता है। और क्रिसाल आपको बताया गया था स्टार्टिंग, ये OH हो गया, अगर OH में पैरा पे क्या जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए, तो क्या होता है, क्रिसाल होता है। और प्लस जहां CH3 क्या हुआ, यहाँ जुड़ गया, जहां CH3 जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ एक CL यहाँ बचा हुआ, तो प्लस में क्या होने वाली है, CL। इसका क्या नाम है, पैरा क्रिसाल। इस तरीके से थ्रीडल क्रॉस प्रक्रिया में क्या होता है, पैरा क्रिसाल बनता है। इसमें लिखा क्या जाएगा, देखेंगे फिनाल को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर पैरा क्रिसाल प्राप्त होता है। ये बताया गया थ्रीडल क्रॉस प्रक्रिया, ये बताया गया इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद मर्क्यूरिक एसीटेट से अगर अभिक्रिया कराया जाए फिनाल का, तो क्या बनेगा, मर्क्यूरिक एसीटेट से जब फिनाल का अभिक्रिया होता है तो इस तरीके से होता है, ये फिनाल हुआ प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला होता है, एसीटेट में क्या होता है, CH3COOH होता है, और मर्क्यूरिक का फॉर्मूला होता है Hg, इसका दो प्लस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल्ड वाइस हो जाएगा। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। ये जब क्रिया करता है तो क्रिया करने पर या गर्म करने पर यहां पर क्या बनता है, फिनाल में इसमें जुड़ जाएगा एच जी जुड़ जाएगा, तो फिर ये COOH जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं OCO, फिर क्या है CH3, इस तरीके से जुड़ेगा, या वैसे भी लिख सकते हैं HgCOOCH3 भी लिख सकते हैं। ये कंपाउंड बनता है, ये किसका जुड़ा है, आर्थो में जुड़ा है, यहाँ पर देखेंगे आर्थो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक, ये आर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो, इतना क्या हो जाएगा, एसिटॉक्सी हो जाएगा, एसिटो हो जाएगा, एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक, और ये पूरा क्या है, फिनॉल हो जाएगा, एसिटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनॉल। तो रिएक्शन इसमें क्या होगा, इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर आर्थो पार्टिशन बना है वैसे पैरा भी बन सकता है, लेकिन इसमें जो मेन कंपाउंड बनता है उसी को लिखा जाता है, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन कंपाउंड बनते हैं उसी को लिखा जाता है। तो इस तरीके से आर्थो पार्टिशन भी बना, पैरा भी बन सकता है, तो दोनों लिखेंगे तब जाकर के क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ बताई गई, अभी इसमें कुछ स्पेशल रासायनिक क्रियाएँ भी हैं जो इम्पोर्टेंट जाना है, और थोड़ा इससे बड़ी रासायनिक क्रियाएँ हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।